हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज़, आपको पता है कि मैंने आपको कटिंग से लगाना नींबू बताया था, बीज से उगाना बताया था, और ये अब काफ़ी साल के हो चुके हैं, 4 साल का हो गया है ये। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो गाइज़, आपको याद होगा, नहीं है तो मैं लिंक डाल दूँगी, नहीं तो मैंने बीज से भी उगाना बताया है और कटिंग से भी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। गाइज़, एक लाइक बिल्कुल फ्री का है और एक सब्सक्राइब में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, खाली बटन दबाना होता है, और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हमेशा वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज़, हम बताएंगे कि इसमें बहुत सारे नींबू अब किस तरह से लेना है और कौन सी मिट्टी डालना है, सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, कौन सी मिट्टी लेना है और कौन सी खाद लेना है, मतलब क्या क्या मिलाना है उसमें, सारा कुछ शेयर करूँगी मैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक और देखते रहिए NTSR इकोनॉमिक गार्डनिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने जो मिट्टी ली है उसमें एक हिस्सा गार्डन सोयल है और एक हिस्सा रेत मिला दी, और बाकी के हिस्सा जो एक मिलाते हैं उसमें हमने, ये देखिए, किचन वेस्ट लिया है, और किचन वेस्ट के अलावा मतलब थोड़ा 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 किचन वेस्ट, और थोड़ा क्या बोलते काउडंग लिया है, और थोड़ा क्या बोलते वर्मी कंपोस्ट लिया है, इसको मिक्स करके रख लिया है। ये बहुत किचन वेस्ट और वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है, एक हिस्से में मैंने डाला है किचन वेस्ट और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग, तो तीनों हिस्से मैंने मिक्स करके रख लिए हैं पहले से कि आपको ज़्यादा टाइम ना हो। ओके गाइस, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम किस में लगा रहे हैं, ये हमने पॉट लिया है, पॉट क्या बाल्टी है ये मेरे पास, मेरे बहुत तो ज़्यादा प्लांट हो गए हैं और बहुत कितने की मैं गमले लाती हूँ और वो फुल हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बाल्टी ली है, और बाल्टी को मैंने नीचे सुराख कर लिया है। अब मैं इसको निकालती हूँ, ये देखिए गाइस, मैंने निकाल लिया है इसके अंदर से, इसमें लगा हुआ था, काफ़ी साल हो गए इसमें लगे हुए, और अब मैं इसको, ये सदाबहार उग गया है इसके अंदर और मॉर्निंग ग्लोरी है ये, आ जाते हैं, तो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैंने ये, इसको कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी भी कहीं कहीं पे, हमारे यहाँ तो अभी सर्दी नहीं पड़ रही है लेकिन कहीं कहीं अभी भी सर्दी पड़ रही है, तो इसको सर्दियों में कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करना चाहिए। अभी नेक्स्ट मंथ तो वो है इसका ट्रांसप्लांट करने का, तो मैं इस तरह से इसको फिल कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने फिल कर लिया है। अब मैं और मिट्टी चाहिए पड़ेगी हमें, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये जो नीचे मैंने फिल किया था उसमें गार्डन के पत्ते हैं, गार्डन के पत्ते सूखे हुए, वो मैंने मिसल के डाल दिए हैं, और अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि मिट्टी थोड़ी बैठ जाए, और एयर पॉकेट्स जो भी हैं इसके, ये ऊपर की साइड की तरफ हम डालेंगे एक चीज़, ये देखिए, ये केलों के छिलके हैं जो मैंने सुखा लिया और मसल लिए हैं। अब ये मैंने इसमें इस तरह से दबा दूंगी, और ये डीकम्पोस्ट होते रहेंगे, वैसे भी ये आधे डीकम्पोस्ट तो हैं ही,
और ये इस तरह से दबा देंगे हम, और इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अभी ये गाइस ये ऊपर उठा हुआ है लेकिन अभी नहीं उठेगा क्योंकि ये नीचे की जो पत्ते हैं जो नीचे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, 2-3 दिन में थोड़े से पचक जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा गाइस। फिर अगर और मिट्टी की ज़रूरत होगी तो हम और डाल देंगे। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, इस छिलकों के ऊपर से थोड़ा सा और मिट्टी डाल देंगे इस पर, क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोस्ट हो सके। इस तरह से। ओके गाइस, अब हम पानी देंगे। बहुत आसान है, सिंपल तरीका है ये ट्रांसप्लांट करने का। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप इसको छेड़ें नहीं और ट्रांसप्लांट कर लीजिए इस तरह से। ये रूट जो दिख रही है मैं इस पे मिट्टी डाल दूँगी थोड़ा पेट दो दिन के बाद, जब ये नीचे को चला जाएगा थोड़ा सा। और वैसे भी इतना फुल नहीं भरते हैं, मैंने फुल इसलिए भरा है कि थोड़ा पटक जाएगा। देखिए अभी थोड़ा नीचे चला गया। देखिए थोड़ा नीचे चला गया अभी। कल हम इसमें और मिट्टी डालेंगे, इसकी रूट अंदर को चली जाएगी, दब जाएगी। ये दिख रहे हैं। तो गाइज ये हो गया ट्रांसप्लांट, और अब इसको कोई हार्म भी नहीं होगा। आप अगर धूप में भी रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इसको सीधा कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए बड़ा है ट्री, पाँचवा साल चल रहा है इसको। अब इसमें फूल आने लगे, फूल देखेंगे आप। ये देखिए दिख रहा है ना फूल, बहुत सारी डालियों में है। देखिए इस डाली में भी है, इस डाली में भी है, सारी डालियों पे फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए इस डाली पर भी है, सारी डालियों पे फ्लावर्स आ रहे हैं गाइस। तो अगर हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करते, इसको इसी तरह रहने देते तो ये फ्रूटिंग पे नहीं आता। तो गाइस इस बात का ख्याल रखिए, अगर आपका भी 4 से 5 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, तो आप उसको अच्छी खाद दीजिए और अच्छे पॉट में डालिए, बड़े में। देखिए मैंने बड़े पॉट में डाला है, 12 इंच से 16 इंच का गमला है ये। गमला क्या है, बाल्टी है ये, बकेट मेरी, तो मैंने इसमें डाल दिया। हाल फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिए गाइज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं मेरे चैनल पे, वो देखते रहिए और भी आने वाले वीडियो देखते रहिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर मतलब कहने का आने वाली फ्यूचर में मिलते रहेंगे। सो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।